नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात महाराजगंज लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 63। महाराजगंज पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। किसी समय यह क्षेत्र कौशल राज के अधीन आता था, कौशल राज का हिस्सा हुआ करता था। आगे चलकर यहाँ पर शाक्यों और कालियों ने राज किया। आज़ादी की लड़ाई में भी इस जगह का खासा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये माना जाता है। नेहरू और गांधी जैसे दिग्गजों ने यहाँ का दौरा किया था। साल 1922 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार महाराजगंज में आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस कमेटियों की नींव डाली थी। इसके बाद साल 1929 में अक्टूबर महीने में स्वयं महात्मा गांधी ने यहाँ का दौरा किया। फिर उसके बाद 1937 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत यहाँ पर आए और उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जिसने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त निभाई थी। फिर 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बार यहाँ का दौरा किया। वर्तमान समय के महाराजगंज की बात की जाए तो 2 अक्टूबर साल 1989 को महाराजगंज को जिला बनाया गया था। गोरखपुर के हिस्से को, गोरखपुर से जो हिस्से थे उसको लेकर के और महाराजगंज को अलग नए जिले के रूप में ये क्षेत्र अस्तित्व में आया। ODOP की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है, उसकी बात की जाए तो यहाँ पर लकड़ी का खूब कारोबार होता है, कास्ट कला का काम किया जाता है यहाँ पर। इस क्षेत्र में चूंकि ये जो जिला है वो 342 वर्ग किलोमीटर जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ पर साल की लकड़ी खूब उपलब्ध होती है और इसी कारण यहाँ के बने हुए जो फर्नीचर हैं, मेज कुर्सी दरवाजे और तमाम तरीके की जो लकड़ी की वस्तुएं बनती हैं उनकी खूब यहाँ डिमांड रहती है। आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी खूब सप्लाई की जाती है। राजनीति की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें इस लोकसभा में भी आती हैं। फरिंदा, नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज और पनियरा, ये 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें नौतनवा को छोड़ के बाकी 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं, जो 2017 का चुनाव हुआ था। नौतनवा की सीट पर अमन मड़ी निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत करके वो वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं। अमन मड़ी पूर्व मंत्री, जो सपा के दिग्गज मंत्री के तौर पर उनको जाना जाता है, अमर मड़ी के बेटे हैं। अमर मड़ी वर्तमान समय में मधुमिता शुक्ला के चर्चित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो साल 1952 में यहाँ जब लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए तो प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना यहाँ से चुन करके और निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुन करके और पहले सांसद हुए थे। फिर 1957 का चुनाव भी वो निर्दल ही जीते थे। सिब्बन लाल सक्सेना का जन्म 13 जुलाई 1906 को आगरा में हुआ था। कानपुर, इलाहाबाद और आगरा में उनकी पढ़ाई पूरी हुई। शुरुआती शिक्षा जो है वो कानपुर में हुई, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़े और इसके बाद वो गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। बतौर प्रोफेसर वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुत कम समय से, अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही वो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे, उसमें उस समय उनका खासा दिलचस्पी लेते थे। और इस सक्रियता के बाद उनकी पहली गिरफ्तारी हुई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ और वो विरोध, जो विरोध जुलूस निकल रहे थे उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसमें उनको पहली बार उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहे। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद उन्होंने अपने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। फिर उसके बाद वो आंदोलन में तमाम, उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सेदारी की, कई बड़े जुलूसों का नेतृत्व किया। अपने 58 साल के राजनीतिक कैरियर में वो 17 बार जेल गए। 13 वर्ष का जो समय था वो जेल में बिताया, जिसमें 10 वर्ष जो 13 वर्ष जेल में बिताए गए तो उसमें से भी 10 वर्ष वो कठोर जो सश्रम कारावास होता था उस तरीके से उनको बिताना पड़ा था। प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना अपने पूरे जीवन गरीबों, मजदूरों और दलितों के लिए संघर्ष करते रहे। उनको पूर्वांचल का गांधी और लेनिन की संज्ञा दी जाती थी, लेनिन कहा जाता था उनको। अगस्त 1984 को सिब्बन लाल का निधन हो गया। सिब्बन लाल सक्सेना के संघर्षों का ही परिणाम था कि कांग्रेस के दौर में भी वो निर्दल चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे और सांसद होते रहे। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, 2 बार निर्दल चुनाव लड़ करके चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, महादेव प्रसाद से लगातार 2 चुनाव हारे। फिर उसके बाद 1971 में वापसी की, 71 में फिर से एक बार वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। तो वहीं 1977 में भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़कर गए और सांसद थे। अपने इस राजनीतिक लड़ाई में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ और महादेव प्रसाद जैसे दिग्गज नेताओं को मात दी। 1980 और फिर 1984 के 2 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली, तो वहीं 1989 के लोकसभा चुनाव में ये सीट जनता दल के हिस्से में चली गई और हर्षवर्धन यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुँचे।
फिर 1991 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया, पंकज चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया, पंकज चौधरी यहाँ से चुनाव जीते। फिर उसके बाद 1996 और 1998 के लगातार 3 चुनाव पंकज चौधरी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब होते रहे, चुन करके संसद जाते रहे। पर 1999 में पंकज चौधरी को पहला झटका लगा जब अखिलेश कुमार सिंह, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने पंकज चौधरी को हरा दिया। फिर 2004 में वापस ये सीट भाजपा के पाले में गई, पंकज एक बार फिर से सांसद चुने गए। 2009 में लंबे समय के बाद इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ, जब हर्षवर्धन के रूप में एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस पार्टी, हर्षवर्धन को चुनाव जीतने का मौका मिला। हर्षवर्धन यहाँ से दूसरी बार संसद पहुँचे। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में फिर से ये सीट चली गई, पंकज यहाँ से फिर सांसद हैं, और 2009 में वर्तमान समय में भी पंकज यहाँ से सांसद हैं। यहाँ जो लोकसभा सीट पर जो राजनीति की बात है, जो यहाँ के प्रभावी नेताओं की बात हो, तो पंकज चौधरी यहाँ पर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, वर्तमान समय में सांसद हैं। 15 नवंबर 1964 को गोरखपुर में उनका जन्म हुआ, फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की, उसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। अपने राजनीतिक गुरु डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर चलते हुए पंकज चौधरी गोरखपुर नगर निगम की राजनीति से निकल करके और महाराजगंज पहुंचे। महाराजगंज में उन्होंने अपनी सक्रियता निभाई और फिर सक्रिय होने के साथ साथ 1991 में भारतीय जनता पार्टी से वहां से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत करके पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद पंकज चौधरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर साल 1996 1998 के चुनाव जीते, पर 1999 में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो 2004 में एक बार फिर चुनाव जीत करके उन्होंने खुद को साबित किया, तो 2009 में फिर से वो चुनाव हार गए और हर्षवर्धन ने इन्हें इस चुनाव में हराया। इन दो चुनावों में जो हार था, उनमें जो 1999 का चुनाव था वो हार बहुत मायने नहीं रख पाई थी, क्योंकि उसमें जो वोटों का जो अंतर था वो लगभग 10,000 का था। पर जब साल 2009 में पंकज चौधरी हारे तो उस हार में उनका अंतर 3 लाख से ज़्यादा वोटों का था और पंकज चौधरी उस चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए थे। हालांकि साल 2014 में जब फिर से लोकसभा के चुनाव हुए तो मोदी मैजिक पर सवार होकर के और पंकज चौधरी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। और फिर 2019 में भी, यानी अब तक हुए कुल चुनावों में 8 बार पंकज चौधरी वहाँ से चुनाव लड़े और 6 बार, छठी बार वर्तमान समय में वहाँ से सांसद है। पंकज चौधरी को पूर्वांचल में कुर्मी नेता के तौर पर पहचान हासिल है, साथ ही साथ उन्हें जातिगत समीकरण साधने का भी अच्छा बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इसके बाद स्वर्गीय हर्षवर्धन की बात आती है। स्वर्गीय हर्षवर्धन का जन्म 1 दिसंबर 1947 को हुआ था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। सच के लिए जिद पर अड़ जाना और फिर किसी से भी भिड़ जाने की जो उनका स्वभाव था, उस स्वभाव ने उनको लोगों से सीधा कनेक्ट किया, लोगों तक उनकी पहुंच बनाई और एक अलग छवि का उन्हें नेता बनाया। ये कारण था कि साल 1974 में उनको समाजवादी युवजन सभा, जो सोशलिस्ट पार्टी का यूथ विंग था, उसका इनको अध्यक्ष बना दिया गया। फिर साल 1985 में ये फरिंदा की विधानसभा सीट से चुन करके और विधानसभा पहुंचे, विधायक चुने गए। 1986 में जनता पार्टी का इन्हें जनरल सेक्रेटरी का जिम्मा सौंप दिया गया। 1989 में जनता दल के टिकट पर ये चुनाव लोकसभा का लड़े और चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। साल 2000 के उसके बाद जब ये सांसद चुन लिए गए, फिर बाद में कांग्रेस में आ गए। साल 2000 में इनको कांग्रेस पार्टी ने AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया। फिर साल 2003 में इनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ करके दूसरी बार संसद पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि 2014 का चुनाव ये हार गए और फिर 4 अक्टूबर 2016 को इनका निधन हो गया। हर्षवर्धन को तेज सर्रार नेता के तौर पर जाना जाता था, साथ ही उनकी ईमानदार छवि उन्हें आम आदमी तक पहुँचाती थी और आम आदमी से सीधा जोड़ती थी। उनके क्षेत्र में उन्हें गरीबों के मसीहा के नाम पर मसीहा के तौर पर जाना जाता था। साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होना था तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी और हर्षवर्धन की विरासत की तलाश शुरू की और ये तलाश पूरी हुई हर्षवर्धन की बेटी सुप्रिया श्रीनेत पर। सुप्रिया श्रीनेत उस वक्त टीवी पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी, लंबे समय से टीवी पत्रकार रहीं, उन्होंने इंडिया टुडे, NDTV और टाइम्स ग्रुप के साथ काम किया। जिस वक्त 2019 में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया, उस वक्त वो टाइम्स ग्रुप के बिजनेस चैनल जो ET नाउ है उसकी कार्यकारी निदेशक थी। वहां से उन्होंने इस्तीफा देकर के और राजनीति में आई, वो 2019 का चुनाव लड़ी। अपने विवाहक अंदाज और तेज तर्रार छवि के साथ साफगोई से अपनी बात कह लेने की जो उनकी कला है, उसने उन्हें
लोगों में खूब चर्चित किया, फिर चाहे वो उनके क्षेत्र में चर्चा हो या फिर सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो। इसके बाद अखिलेश कुमार सिंह की बात होती है। अखिलेश कुमार सिंह की छवि महाराजगंज की राजनीति में दबंग नेता के तौर पर जानी जाती है। सपा के टिकट पर उस साल 1999 में चुनाव जीत करके और सांसद रह चुके हैं। नौतनवा क्षेत्र से संबंध रखने वाले अखिलेश 1991 और 1993 में लक्ष्मीपुर की विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। साल 1996 में वो महाराजगंज की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, पर वो चुनाव वो हार गए थे। फिर उनको 99 के चुनाव में जीत मिली, तो 2004 का चुनाव वो हारे, पर 2009 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2014 और फिर 2019 का लगातार दो चुनाव वो फिर से हार गए। इनके भाई कौशल किशोर उर्फ मुन्ना सिंह नौतनवा की विधानसभा सीट से 2012 में विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। अमन मणि को इन्होंने चुनाव में हराया था। तो वहीं 2017 में मुन्ना सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और अमन मणि निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके इनको उन्होंने हराया। वर्तमान समय में अमन मणि के पास ये सीट है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हरिशंकर तिवारी के परिवार का एक दबदबा रहता है, तो वहीं पूर्व मंत्री जो अमर मणि त्रिपाठी हैं उनके परिवार का भी यहाँ पर एक खासा प्रभाव माना जाता है। तो इनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और उनके परिवार का यहाँ पर खासी एक अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि वीर बहादुर सिंह पनियरा की विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे। फिर उसके बाद इनके बेटे फतेह बहादुर सिंह यहाँ से विधायक रहे और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे। यहाँ पर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ 18,84,924 कुल मतदाताओं की संख्या है जो 2019 में थी, जिसमें 10,09,571 पुरुष मतदाता हैं, तो 8,74,516 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत वोटरों की बात की जाए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए, तो सवर्ण वोटर करीब करीब 6 लाख हैं यहाँ पर, तो वहीं ओबीसी वोटरों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 8 लाख वोटर्स हैं। दलित वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है, तो मुस्लिम जो मतदाता है उनकी संख्या 1,57,000 के आसपास मानी जाती है। अब तक हुए कुल 17 लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर 6 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 8 बार यहाँ से पंकज चौधरी को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसमें 6 बार पंकज चौधरी जीतने में कामयाब रहे और उन्होंने खुद को राजनीति में साबित किया। तो वहीं अखिलेश का प्रभाव इस सीट पर अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई चुनाव से लगातार हार, और फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव में भी इन्होंने अपने भाई को लड़ाया। जब लक्ष्मीपुर की विधानसभा खत्म होकर के नौतनवा विधानसभा हो गई और नौतनवा से इन्होंने कई बार अपने भाई को चुनाव लड़ाया और वो लगातार हारते रहे, और साथ में ये खुद लोकसभा का चुनाव भी हारते रहे। इसको देख करके अब इनका प्रभाव जो है वो साफ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इन वरिष्ठों की राजनीति के बीच में सुप्रिया के रूप में लोगों को एक युवा विकल्प मिला। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम के सहारे ये विकल्प छोटा पड़ गया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि राजनीतिक रूप से सक्रियता किसके साथ कितनी बनी रहती है, किसके पक्ष में लोग कितना जाते हैं। धन्यवाद।